हेलो, गुड म�ॉर्निंग दोस्तों। 1 मार्च 2019 की प्रीलिम्स रिटर्न सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर। हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई है वो करना है। पहला स्टेटमेंट CCIT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर दिया गया है कि इट वॉज प्रपोज बाई इंडिया इन 1996। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इट वॉज रेक्टिफाइड बाई UN कंट्रीज एंड कम टू इनफोर्स सिंस 2013। देखो अभी आपको पता है पाकिस्तान ने पुलवामा पे अटैक किया था, इसके बाद जो काफ़ी सारा मामला है जो भी आपके सामने देख रहे हो उसके बाद ही न्यूज में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल जो टेररिज्म की कॉम्प्रिहेंसिव की थी इसकी बात काफ़ी न्यूज़ में रही है। तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इंडिया ने 1996 में इसको प्रपोज किया था, बट ये अभी तक UN में एडोप्ट है वो किया या नहीं किया गया आप बताइए। UN में देखो अभी तक इसको एडोप्ट है वो नहीं किया गया, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अभी तक ये पेंडिंग है वो चल रहा है। इंडिया ने ड्राफ्ट है वो तैयार किया था, इंडिया ने मतलब एक तरीके से बोलते हो कि इनिशिएटिव स्टार्ट है, वो क्या था कि ग्लोबल लेवल पे जो टेररिज्म है उससे निपटने के लिए स्टेप है वो उठाई जा सकी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है PCA यानी कि प्रमोट कोरेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को लेके है। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इट इज अप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड नॉट एक्सटेंड टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया है ऑल बैंक्स कीप्ड अंडर PCA आर सब्जेक्टेड टू बोथ मैंडेटरी एंड डायरेक्शनली रिस्ट्रिक्शन। मतलब दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि PCA फ्रेमवर्क के तहत उनके ऊपर दो तरह के रिस्ट्रिक्शन होते हैं, एक तो मैंडेटरी भी होती हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन उन पर अनिवार्य होती हैं बाध्यकारी होती हैं उनको मानना, और एक उनको डायरेक्शन भी दी जाती हैं, ये यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई तो देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड हो जाता है। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ओनली टू पब्लिक सेक्टर बैंक, भाई गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर भी है क्योंकि बैंक अगर क्रेश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को इफेक्ट है वो पड़ता है। तो मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है यहाँ पे क्विक सैट सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM। पहला स्टेटमेंट ये दिया गया यहाँ पे कि इट वॉज डेवलप्ड बाई DRDO इंडिया इन कोलाबरेशन विद इसराइल AI। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इट हैज बीन डेवलप्ड बाई इंडिया टू रिप्लेस द आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। देखो दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया की जो आकाश मिसाइल है ना इसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने इसको डेवलप किया है, और पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये इंडिया की DRDO और इसके साथ इसराइल की स्पेस एजेंसी है, इसराइल की जो एजेंसी है IAI उनके द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है। देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा है तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो गलत इसलिए है कि क्योंकि जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ना QRSAM, एक तो शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि इंडिया ने स्वदेशी रूप से डेवलप किया, मतलब इंडिजिनली इसका डेवलप है वो यहाँ पे किया गया है DRDO के द्वारा, और यह मेनली मल्टीपल टारगेट को एक साथ भेद है हो सकती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी जो रेंज है वो है 25-30 किलोमीटर, और अभी इसका सफल एक्सपेरिमेंट या हम बोल सकते हैं कि टेस्टिंग है वो की गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल वेदर वेपन है, सभी वेदर में काम करेगा। और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह इंडिया की आकाश मिसाइल है, इसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, लाइट वेट है, हाई मोबिलिटी है, और काफ़ी चीज के द्वारा एक्शन है वो है यहाँ पे दी जाएगी। तो इसके कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे आया है संप्रीति एक्सरसाइज को लेकर। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि इट इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सेकेंड स्टेटमेंट यह है कि इट विल बी हेल्ड अल्टरनेटली इन बोथ कंट्रीज, मतलब एक साल इंडिया में एक साल नेपाल में आयोजित होती है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि संप्रति 2019 विल बी हेल्ड इन नाडिया वेस्ट बंगाल। हमें यहाँ पे इसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना है इसने हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा है। तो अभी इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसका आंसर है वो बी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। देखो संप्रति जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, और इसका 8वां एडिशन है वो एक तरीके से भी होस्ट है वो किया जाता है, और इंडिया इसका 8वां एडिशन है वो भी होस्ट है वो करने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है।
सो जो आठवां एडिशन इसका बांग्लादेश है वो होस्ट करने वाला है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आठवां एडिशन इसका हो रहा है तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि संपत्ति एक्साइज है वो डिफेंस कोऑपरेशन एक्साइज है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी इसका आठवां एडिशन है वो ऑडिट करता है, बाकी अल्टरनेटली कंट्री ऑडिट करती है एक इंडिया एक बांग्लादेश इस तरीके से। तो ये इसके कुछ फैक्ट है वो ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे आज का जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है सतत को लेके, यानी कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या है सतत स्कीम वो हम देखते हैं। कंटेक्स्ट क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी 100th लेटर ऑफ इंटेंट है LOI है वो बेसिकली किसके लिए, बायोगैस के लिए, मतलब जो कंप्रेस्ड बायोगैस है और एंटरप्रेन्योर्स जो प्रोड्यूस है उसके लिए सतत स्कीम है वो स्टार्ट है की है क्या। देखो सतत स्कीम का वो सीधा सीधा बताऊं तो इसमें दो जनों को बेनिफिट होगा, दो लोगों को, एक तो जिन लोगों को जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसको और एक किसी के साथ जो व्हीकल यूजर है उनको और एक फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प से जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस करवाई जाएगी ताकि जो व्हीकल है ईंधन है उनके अंदर बायोगैस जो कंप्रेस्ड बायोगैस है इनका यूज किया जा सके। तो एक तो हमारा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा, इसके साथ ही फार्मर्स है उनकी भी इनकम बनी रहेगी। ये इसके मेनली दो मोटे हैं आपको ध्यान रखना है, इसके दो बेनिफिट होने वाले हैं मोटे मोटे, मतलब दो लोगों को इसका बेनिफिट डायरेक्टली होगा। एक तो जो व्हीकल यूज करने वाले हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और एक जो फार्मर जो कि बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे या जो बायोगैस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे उनको बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ हम बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स जो कि बायोगैस को डेवलप करेंगे या उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे वो तो वही है, बट मेनली दो चीज़ों पर डिपेंड वो करती है, फार्मर्स जो कि इसको प्रोड्यूस करेंगे और व्हीकल इंडस्ट्री या व्हीकल यूजर जो इसको यूज है वो करने वाले हैं। अब देखो इसमें होगा क्या कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट है वो हमारे देश में सेटअप किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के तहत, और उनका मोटो ये रहेगा कि हमारे देश में जो एक तरह से इंटरप्रेन्योर्स हैं उनका पोटेंशियल है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम है वो किया जा सके। इसके वजह से 4 प्रोपेगेंडा एजेंडा है ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो देखो इसका में कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट है हर साल हमारे देश में जनरेट किया जाता है, तो अगर इसको हम सही ढंग में डायरेक्शन में यूज करें तो हमारे देश में बायोगैस है वो जनरेट की जा सकती है। इसके साथ ही हम जो इम्पोर्ट है जो हमारी तेल के ऊपर हमारी निर्भरता है वो हम कम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इसकी वजह से ज़्यादा है वो बढ़ता है। इसके साथ ही हमारे देश में अगर बायोगैस के प्लांट लगते हैं तो जॉब क्रिएशन है वो बढ़ेंगी। इसके साथ ही जो व्हीकल का एमिशन है वो भी कम होगा क्योंकि बायोगैस है तो आपको बताया कि एमिशन काफ़ी कम होंगे, इसके साथ ही वो इन्वायरमेंट के ज़्यादा नुकसानदायक है वो भी नहीं होते, और जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट है जो भी फसल का बचा हुआ कचरा रहता है जो कि किसान पराली वगैरह जलाते हैं उससे भी सॉल्यूशंस है वो निजात है वो पाई जा सकती हैं। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि सतत स्कीम है क्या। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि जो व्हीकल यूजर्स और जो फार्मर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आपस में गलाने के लिए उनके बीच में लिंकेज स्थापित करने के लिए सतत स्कीम है वो लगी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है टी कवर एंड फॉरेस्ट कवर को लेकर। देखो कुछ इसमें कुछ फैक्ट दिया गया है तो यूपीएससी की बार क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेती है। तो इसमें ये दिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने अभी फॉरेस्ट कवर इन इंडिया है इसके बारे में थोड़ा फैक्ट है वो दिया गया है। तो देखो फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया की डेफिनेशन क्या है, इसका फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक हेक्टर के जैसे एक हेक्टर का ये एरिया है इसके कम से कम 10% एरिया में अगर पेड़ पौधे हैं तो वो फॉरेस्ट के अंदर काउंट है वो कह जाएंगे, मतलब उसकी डेंसिटी है 10% से ज़्यादा एटलीस्ट होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होनी चाहिए, यह आप मान के चल सकते हो। ये है गाइडलाइन कि एक हेक्टर में 10% से ज़्यादा एटलीस्ट फॉरेस्ट है डेंसिटी वहाँ पे होनी चाहिए तब भी उनको फॉरेस्ट में काउंट है वो किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ फैक्ट वगैरह दिया गया तो मैंने लिए छोटा सा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यूपीएससी पूछ सकती है 50% 60% वगैरह, नहीं भाई 10% तक की बात है। अब हम बात करें हमारे देश में जो जो फॉरेस्ट कवरेज है वो है कैसा। गोवा में हम बात करें तो देखो टी कवरेज है वो है 8.73, मतलब बहुत कम है वहाँ पे देखा जाए तो, सबसे कम है वो यहाँ पे दिया गया आपके सामने झारखंड में टी कवरेज है वो है कैसा। और इसके साथ ही हम बात करें अभी जो सबसे ज़्यादा की बात करें इंडिया में, ऑल इंडिया में आपको पता है कि 21.54% है, सबसे ज़्यादा है वो लक्षद्वीप में 90.33%। इसके बाद में हम बात करें मिजोरम में है 86.27% फॉरेस्ट कवरेज, और अरुणाचल प्रदेश में आप सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना लक्षद्वीप में है 90% से ऊपर। तो यूपीएससी ए में भी पूछ सकती हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है फेनी को लेके। देखो फेनी है वो एक शराब की ही या एक हम बोल सकते हैं लिक्विड है जो कि ट्रेडिशनल लिक्विड कहाँ की है, ये मेनली इसको जीआईटेक मिला हुआ है और ये है गोवा की। तो ये आपको ध्यान रखना है गोवा की ट्रेडिशनल हम बोल सकते हैं कि वाइन है।
तो इसको लेके अभी ज्योग्राफिक इंडिकेशन मिला था, तो इसको कुछ न्यूज वगैरह भी आई थी। ये मैनली जो केचुआ, जो हम बोल सकते हैं कि ड्राई फ्रूट होते हैं, जिसे हम एक तरीके से काजू बोलते हैं, उनके द्वारा इसको डोल बनाया है वो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ जो तोड़ी होती है, जो पाम का ट्री होता है, उससे भी मिलके इसको बनाया है वो जाता है। तो काफी इसकी फॉर्म है वो बनाई जाती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है फेनी है क्या। और मेनली जो पोर्तुगीज, आपको बताया कि वहीं पे रहते थे गोवा में, उस टाइम पे पोर्तुगीज सबसे लास्ट में गए थे। आप ये बताइए पोर्तुगीज कब गए थे इंडिया से, पोर्तुगीज कब गए थे इंडिया से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पोर्तुगीज भी इस प्रोसीजर का यूज है, या हम बोल सकते हैं कि स्वाइन का यूज हो करते थे, और वो भी ट्रेडिशनल तरीके से। पोर्तुगीज ने, हम बोल सकते हैं कि जो पोर्तुगीज लोग थे, उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके से फेनी है, जो स्वाइन है इसका निर्माण है, वो वहां पे करते थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अपतानी ट्राइब को लेके। अपतानी ट्राइब देखो कहाँ से बिलोंग करती है, ये अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबनसिरी जो जीरो वैली है ना, वहां पे एक्चुअली ये ट्राइब है वो है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अपतानी जो ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही ये मेनली है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एक अलग ही धर्म है, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख वगैरह नहीं है। ये चांद और जो सूरज है उनकी पूजा मेनली है वो करते हैं, मतलब सन और मून इनकी पूजा वो करती हैं, और देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की बलि वगैरह ये देते हैं। इनकी लैंग्वेज ध्यान में रखनी है जो है तानी, तानी इनकी लैंग्वेज है, जिसको अब लोग है वो अपतानी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अपतानी लैंग्वेज है इनकी, और उसी के नाम से इनको लोगों को जाना है वो जानता है। इसके साथ ही जो सिनो तिब्बत समूह की एक लैंग्वेज है, ये भी कुछ फैक्ट ध्यान रखना, यूपीएससी इनके बारे में पूछ है हो सकती है। बात फिर यहाँ पे फैक्ट ये दिया गया है कि अभी द फर्स्ट पीपल्स कल्चर जो काउंसिल थी, उस टीम के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम है इंडेंजर्ड लैंग्वेज प्रोजेक्ट, मतलब इसमें जो ऑल ओवर वर्ल्ड की लैंग्वेज है उन पे फोकस किया जा रहा है। तो उस प्रोग्राम के तहत जो अपतानी लैंग्वेज है वो वर्ल्ड में वल्नरेबल श्रेणी में रखी गई है। बाकी फैक्ट यहाँ पे कुछ और से दिए गए हैं कि अपतानी जो ट्राइब है वो जड़ी बूटियों का जो प्राकृतिक औषधि है इनके बारे में अच्छे से यूज है वो करती है। इनके फेस्टिवल दिए गए हैं, एक तो ड्री फेस्टिवल है और एक इनका फेस्टिवल है म्योको। ड्री फेस्टिवल है वो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, म्योको फेस्टिवल है वो इनके भाईचारे दोस्ती का फेस्टिवल है, और ये लोग मेनली चावल की खेती है वो करते हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, मतलब मशीनों का यूज है वो नहीं करते हैं। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019। याद रखने लायक फैक्ट ये है कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही है और है क्या ये। देखो यह जारी किया जाता है इंटरनेट इंडेक्स, मतलब इंटरनेट के यूज को लेके। फेसबुक ये वैली जो कमीशन है वो तो किया गया फेसबुक के द्वारा, और जो ये सर्वे कंडक्ट किया गया वो क्या गया इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। काम सीधा सही है कि भाई इंटरनेट है उसका यूज किस तरीके से हो रहा है, अफोर्डेबल है नहीं है, लोगों को सस्ता मिल रहा नहीं मिल रहा, इजीली एक्सेसिबल है या नहीं है, उसको लेके सोशल और जो इकोनॉमिक आउटकम है उन इंडिविजुअल लोगों के लिए ग्रुप के आधार पर जारी है वो किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग 47 है, ठीक ठाक है, ज्यादा बेकार नहीं है। सबसे बात करें नंबर वन पे तो स्वीडन है, सिंगापुर, यूएस है, ये कंट्रीज इसमें टॉप पे रही है, मतलब वहाँ पे इंटरनेट का इजीली एक्सेस है वो हो जाते हैं और लोग इसका मैक्सिमम यूज है वो भी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है रमन इफेक्ट को लेके। देखो कंटेक्स तो वैसे ये था कि हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और जो नेशनल साइंस डे है वो एक्चुअली रमन इफेक्ट की इनोवेशन या रमन इफेक्ट जो का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी की याद में इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो नेशनल साइंस डे है वो हर साल मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रमन इफेक्ट है वो इंडिया के जो फिजिशियन थे जिनका नाम था चंद्रशेखर रमन, उनके द्वारा ही 1928 में एक्सपेरिमेंट है वो क्या था। रमन इफेक्ट ये कहता है कि कोई भी जैसे ये प्रकाश है अगर आप इसको किसी लिक्विड से क्रॉस करोगे ना तो इसकी जो वेवलेंथ है ना इसके अंदर जो लाइट बीम की वेवलेंथ है वो इफेक्ट है वो हो जाती है, ये बेसिकली रमन इफेक्ट है वो कहता है। तो आपको रमन इफेक्ट भी ध्यान में रखना है। नेशनल साइंस डे वो कब आयोजित किया जाता है, किसके उपलक्ष्य में या किसकी याद में, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमने कुछ फैक्ट यहाँ पे कवर किए। देखो इन्होंने जो रमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया था इसकी उपलक्ष्य में उनको 1930 में नोबेल पीस प्राइज दो फिजिक्स से भी नवाजा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नोबेल पीस प्राइज ऑफ फिजिक्स के नाम से भी इनको अवार्ड है वो दिया गया था। इस बार का जो साइंस डे हो रहा है नेशनल साइंस डे, उसकी थीम रही है साइंस फॉर द पीपल एंड द पीपल फॉर साइंस, मतलब लोगों के लिए साइंस और साइंस के लिए लोग, ये इसकी थीम वो इस बार रही है। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज है वो आई है साउथ कोस्ट रेलवे न्यू रेलवे जोन को लेके। देखो अभी साउथ इंडिया में एक नया जोन बनाया गया है कोस्टल एरिया को लेके रेलवे के द्वारा, जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे।
वो है कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है, बस आप ये छोटा सा फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। जिस तरीके से देखो इंडिया का जो साउथ जोन है उसमें आता है चेन्नई, मतलब चेन्नई उसका मेन हब है। जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया का मेन हब कौन सा है रेलवे का, वो है दिल्ली, न्यू दिल्ली। उस तरीके से साउथ का कौन सा है, चेन्नई है। इसके बाद में साउथ का जो सेंट्रल रेलवे है उसकी हम बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है विजयवाड़ा डिवीजन आती थी, सो जो विजयवाड़ा के अलावा जो आस में गुंटूर वगैरह ये रहता था, बट अभी एक्चुअली साउथ जो कोस्टल एरिया है इसके लिए अलग से जोन बना दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि साउथ कोस्टल जोन रेलवे कहाँ पे बनाया गया है, कौन सा हेडक्वार्टर है इसका, विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। तो एक छोटा सा फैक्ट था। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।